दरभंगा से एक और ऐतिहासिक उड़ान, अहमदाबाद की फ्लाइट को देखिए किस तरह से दरभंगा से जब टेक ऑफ हुआ तो ये देखने वाले बस देखते रहे। और इस तरीके से एक बार फिर एक नए शहर से दरभंगा जुड़ गया है, मिथिला की राजधानी जुड़ गई है एक और शहर से। और इसको लेकर के सुबह से ही गहमा गहमी थी, एयरपोर्ट के बाहर काफ़ी लोगों की भीड़ थी, यात्री भी थे और देखने वालों की तादाद भी थी। और जब ये फ्लाइट आई अहमदाबाद से करीबन 1.5 घंटा विलंब से आई, और इसके यात्रियों से हमारे जो सहयोगी चैनल है हमारा बिहार, उसने बात की, उन्होंने बात की, तो सुनिए अहमदाबाद के यात्रियों का क्या कहना था। देखिए, हम राजस्थान में रहते हैं, दरभंगा आने के लिए तो हमको 2 ट्रेन भी चेंज करना पड़ता था। अब फ्लाइट से आते थे तो 2 फ्लाइट भी चेंज करना पड़ता था पटना तक, क्या पटना से फिर हम लोग बस से आते थे, है ना। कभी कभी तो 5-5, 6-6 घंटा लग जाता था दरभंगा आने में। आज तो ये हुआ कि पता ही नहीं चला कि हम लोग सफर भी किए हैं, है ना, तो बहुत अच्छा हो गया। तो इस तरह अहमदाबाद के यात्री बेहद खुश हैं कि उन्हें जो है पता ही नहीं चला वो आ गए। और ये फ्लाइट जो है वो जब लैंड हुई थी उस समय की तस्वीर है ये, हमारा बिहार के सौजन्य से हमने आप तक ये वीडियो पहुंचाया है। और ये तस्वीर जो है इसमें 120 यात्री इस पहले फ्लाइट में जो है वो इस इतिहास के गवाह बने। 120 यात्री दरभंगा पहुँचे और उन्होंने ये शानदार सफ़र तय किया। हालांकि कोहरे की वजह से समस्याएं आ रही हैं, समय को लेकर के दिक्कतें हो रही हैं, क्योंकि लगातार जो है जो टेक ऑफ और लैंडिंग में देरी इसलिए भी हो रही है क्योंकि एक फ़्लाइट जो है वो उस पर रनवे पर रहती है तो दूसरी फ्लाइट उसमें लैंडिंग नहीं कर सकती और लगातार बैक टू बैक कई फ्लाइट्स हैं, इस वजह से दिक्कतें आ रही हैं। लेकिन यात्री जो पहुँचे हैं वो बेहद खुश नज़र आए, सुनिए उन्होंने क्या कहा। अहमदाबाद से आ रहा हूँ। कैसा रहा सफ़र आपका? सफ़र बहुत अच्छा रहा, फ्लाइट थोड़ी ढीले थी अहमदाबाद से ही मौसम की वजह से, बाकी सारी चीज़ें थी। दरभंगा में एयरपोर्ट बना है तो इस इलाके के लिए बहुत ही तरक्की है, बहुत अच्छी बात है इस इलाके के लिए, क्योंकि जो पटना से अहमदाबाद या पटना से दिल्ली बॉम्बे वगैरह का जो ट्रैवलिंग था वो काफ़ी टफ और दिक्कत वाला था। तो इस तरीके से दिक्कतें आईं लेकिन फाइनली अहमदाबाद की फ़्लाइट आ गई। और देखिए, ये उस समय फ़्लाइट जब इसको लैंड करने में दिक्कत हुई क्योंकि उस वक्त जो है मुंबई की भी फ़्लाइट लाइन में थी और मुंबई की फ़्लाइट के साथ ही इसका भी लैंडिंग था, लेकिन मुंबई की फ़्लाइट को जो है वो डाइवर्ट करना पड़ा पटना, क्योंकि अहमदाबाद को लैंडिंग करानी थी, इसलिए जो है अहमदाबाद चूँकि पहली फ़्लाइट थी इसलिए इसमें डिले नहीं हो, इसलिए स्पाइस जेट की तरफ से इसको लैंड कराया गया। और ये सुखद अनुभव स्पाइस जेट वालों को ने दिया अहमदाबाद के यात्रियों को कि वो लैंड हो गई फाइनली, लेकिन मुंबई वाली फ़्लाइट को जो है वो पटना भेजना पड़ा और उसके बाद ही ये फ़्लाइट लैंड हुई। तो इस तरीके से आज का दिन ऐतिहासिक था दरभंगा के लिए क्योंकि एक और शहर जुड़ गया है। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और वीडियो के साथ हाजिर होंगे, देखते हैं दरभंगा। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।